एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, अगर मैं आपको कार की बात करूं या फिर कोई मोटरसाइकिल की बात करूं, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है कि साइलेंसर जो है, आप देखे होंगे कि वो पीछे लगा रहता है और हॉरिजॉन्टल शेप का होता है। लेकिन अगर मैं आपको ट्रैक्टर की बात करूं, तो वो इंजन के ऊपर ही माउंट होता है। ये देखिए, ये साइलेंसर है, साइलेंसर आप देख सकते हो, साइलेंसर जो है वो इंजन के ऊपर माउंट होता है और वर्टिकल शेप में होता है। लेकिन ऐसा क्यों दोस्तों कि अगर कार की बात करें तो वहां पर क्या होता है, पीछे लगा रहता है, और ये ट्रैक्टर की बात करें तो वहां पर साइलेंसर जो है ऊपर माउंट किया जाता है, तो ऐसा क्यों है दोस्तों? इसका पीछे का रीजन दोस्तों क्या है? दोस्तों, अगर आपको ये सवाल का आंसर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रैक्टर में साइलेंसर जो है वो ऊपर क्यों, इंजन के ऊपर ही क्यों लगा दिया जाता है। इसलिए आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर हम दोस्तों कार की बात करें, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है कि चेसिस के ऊपर ही जो है लोड कैरी को किया जाता है, या पैसेंजर जो है वो कैरी करता है, सब चेसिस के ऊपर ही होता है। लेकिन अगर हम दोस्तों ट्रैक्टर की बात करें, तो ट्रैक्टर जो है वो यूजुअली यूज किया जाता है फार्मिंग पर्पोज के लिए। ओके, तो फार्मिंग में और फिर एग्रीकल्चरल पर्पोज के लिए जो यूज किया जाता है, फॉर प्लाउइंग के पर्पोज के लिए हो, या फिर सीड को सो डालने के लिए हो, तो हम लोग ट्रैक्टर यूज करते हैं स्पेशली एग्रीकल्चरल पर्पोज के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सब चेसिस के नीचे ही काम होता है दोस्तों। ओके, तो चलिए डिस्कशन करते हैं अभी साइलेंसर के बारे में। दोस्तों, ट्रैक्टर जो है, अभी मैंने आपको बताया कि ट्रैक्टर जो है वो एग्रीकल्चरल पर्पोज के लिए यूज किया जाता है, फार्मिंग पर्पोज के लिए यूज किया जाता है। तो अगर साइलेंसर को पीछे लगा दिया जाए, गाड़ी के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाए, तो क्या होगा? देखिए, ट्रैक्टर जो है वो मड्डी में, कीचड़ में जाता है। जब एग्रीकल्चरल लैंड में काम करेगा तो वो कीचड़ में भी जाएगा। तो अगर साइलेंसर दोस्तों पीछे लगा होगा, तो क्या होगा कि उसमें पानी चला जा सकता है, उसमें मड़ चला जा सकता है, जिसके वजह से क्या होगा कि साइलेंसर में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, और अनइवन रोड पे भी जाता है। अभी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वहां पर अनइवन सर्फेसेस तो होंगे, तो ट्रैक्टर के साइलेंसर अगर पीछे लगा रहा होगा, तो वो साइलेंसर बार बार इस अनइवन सर्फेसेस में कॉन्टैक्ट में आएगा, तो साइलेंसर डैमेज होगा, तो ट्रैक्टर का एग्जॉस्ट सिस्टम खराब हो जाएगा जल्दी। तो उसके वजह से दोस्तों साइलेंसर जो है वो इंजिन के ऊपर माउंट किया जाता है। उसका दूसरा रीजन भी और एक है दोस्तों, ट्रैक्टर जो है वो डीजल से काम करता है, तो जब डीजल जब बर्न करेगा, डीजल और एयर जो है वो जब इंजन में, इनके जो ट्रैक्टर के कंबशन चैम्बर में जब बर्न करेंगे, तो क्या होगा कि बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज करेंगे, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब हार्मफुल गैसेस रिलीज करेंगे। अगर साइलेंसर दोस्तों पीछे लगा दिया जाएगा, तो क्या होगा कि अभी खेतों में बहुत सारे लोग भी काम करते हैं, सिर्फ एक पर्सन तो काम नहीं करता है, और भी सारे लोग काम करते हैं, तो ये जो हार्मफुल गैसेस है ना, उससे क्या होगा कि उनका हेल्थ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि बार बार उसको इनहेल करना पड़ेगा ना। अभी ट्रैक्टर तो एक चार पाँच घंटा चलता है, तो उससे डीजल जो बर्न होगा, तो ये जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगे, तो क्या होगा कि जो भी पर्सन अवेलेबल है वो लैंड में, वो सब इनहेल करेंगे। ओके, इनहेल करेंगे जब, तो उससे क्या होगा कि हेल्थ के ऊपर जो है इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यू, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगा। ओके, और फिर बार बार वही जो हार्मफुल गैसेस जो है वो रिलीज होगा, तो वो क्रॉप के ऊपर भी खराब इम्पैक्ट डालेगा। ओके, जो भी क्रॉप्स जो कल्टिवेट हो रहे हैं आसपास में, वो हार्मफुल गैसेस के वजह से वो जो क्रॉप्स है उसके ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट डालेगा, और फिर विजिबिलिटी का भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि धुआं धुआं चारों तरफ हो जाएगा, तो विजिबिलिटी का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके वजह से दोस्तों साइलेंसर को क्या किया जाता है, इंजन के ऊपर ही वर्टिकली माउंट किया जाता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट उसका पीछे का रीजन और भी है, एक है दोस्तों, क्या होता है कि आप क्या करते हो, ट्रैक्टर को क्या किया जाता है, ट्रैक्टर को चार पांच घंटा ऐसे चलाया जाता है एग्रीकल्चरल लैंड में, तो ये क्या करता है, अगर साइलेंसर को दोस्तों पीछे लगा दिया जाए, तो क्या होगा कि वो कंटिन्यूसली क्या करेगा कि एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो छोड़ेगा,
जो भी बर्न करेगा, जो बंड गैसेस है वो साइलेंसर में छोड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि जो भी अभी जो लैंड का जो ऊपरी सॉइल है वो ऑलमोस्ट वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, तो साइलेंसर को पीछे लगा दिया जाए तो बंड गैसेस जो भी जो रिलीज होगा साइलेंसर से, तो क्या होगा वो कंप्लीटली उसको उड़ाएगा वो जो सॉइल को उड़ाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो टॉप लेयर का जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी धीरे 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 कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सॉइल के फर्टिलिटी के ऊपर भी वो अफेक्ट कर रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट पकाएगा। तो उसके वजह से दोस्तों क्या होता है कि साइलेंसर को हमेशा इंजन के ऊपर में ही माउंट किया जाता है दोस्तों। अभी और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि ये साइलेंसर देखिए ये थोड़ा बेंड किया गया है, इसको क्यों ऐसा बेंड किया जाता है। दोस्तों देखिए यहां पर क्या होता है कि ड्राइवर का सीट देखिए वो थोड़ा एलिवेटेड रहता है एंड ऑलमोस्ट टू द हाइट ऑफ द साइलेंसर। तो अगर दोस्तों बेंड नहीं किया जाए तो जो भी एग्जॉस्ट गैसेस, जो भी सब खराब धुआं, सब गैसेस सब निकलेगा वो डायरेक्टली ड्राइवर के ऊपर इंपैक्ट पकेगा, उसका हेल्थ इश्यू करेगा। तो अगर उसको बेंड कर दिया जाए तो क्या होगा कि ये हार्मफुल जो भी गैसेस निकल रहा है वो क्या करेगा, डायरेक्टली एटमोसफियर में जाएगा और ये जो ड्राइवर है उसका उतना हेल्थ इंपैक्ट नहीं डालेगा, उतना हेल्थ इश्यू नहीं करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली देखिए एटमॉस्फेयर पे जाएगा, उतना डायरेक्टली वो प्रभाव नहीं करेगा ड्राइवर को, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आई होगी कि ये साइलेंसर ऊपर इंजन के ऊपर वर्टिकली क्यों माउंट किया जाता है और ये वर्टिकल ये जो है ये थोड़ा बेंड क्यों किया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। चले दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।